तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरीके के इंट्रो सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हो, बिल्कुल फ्री में 3D इंट्रो बना पाओगे और डाउनलोड भी कर पाओगे अपनी वीडियोस के लिए। और लास्ट में मैंने आपको इस वीडियो में एक ऐसा पॉइंट बताया है जो कि आपके यूट्यूब चैनल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल है, चाहे वो गेमिंग का हो, चाहे वो टेक चैनल हो, चाहे वो कुकिंग का हो, किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड है, ब्लॉगिंग चैनल है, तब आपको एडिटिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि यूट्यूब चैनल होना ही सब कुछ नहीं है, अगर आपको यूट्यूब चैनल प्रॉपर रखना है तो उसके लिए आपको इंट्रो सीखना होगा, थंबनेल बनाना सीखना होगा, वीडियो एडिटिंग सीखनी होगी, फोटो एडिटिंग तो नॉर्मल सी बात है, थंबनेल एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और इंट्रो एडिटिंग, ये तीनों चीजें आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप अपने यूट्यूब चैनल पर अच्छे से वर्क कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप बिल्कुल फ्री में 3D HD इंट्रो किस तरीके से बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो आज कैनवा एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, इस पर आपको बने बनाए इंट्रो मिल जाते हैं और उनको आप इजीली अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, अपने चैनल का, अपने ब्लॉग का नाम डाल सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। बहुत ही धांसू, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, आप इससे इंट्रो बना सकते हो, उन्हें एडिट कर सकते हो और उन्हें डाउनलोड कर सकते हो अपनी गैलरी में और उन्हें सेव करके रख सकते हो। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आप इंट्रो किस तरीके से अच्छा बना सके। तो देखिए, कैनवा एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, कार्ड्स की एडिटिंग, थंबनेल एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, बैकग्राउंड, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, आप सब कुछ बना सकते हैं। कैनवा एप्लीकेशन बढ़िया एप्लीकेशन है। आज बात कर रहे हैं इंट्रो के बारे में, तो आपके पास अगर कैनवा एप्लीकेशन नहीं है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको मिल जाएगी, डाउनलोड करके अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए और फ्री में आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए इंट्रो, थंबनेल वगैरह सब कुछ एडिट कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाया है या पहले से आपका चैनल है तो मेरे इन वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, आप और अच्छे तरीके से अपने इंट्रो को और अपनी एडिटिंग स्किल्स को बेटर कर सकते हो। तो चलिए, अब मैं आपको अपने फोन की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिए इंट्रो की एडिटिंग करनी है। तो जब आप अपना कैनवा एप्लीकेशन ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस दिखेगा। 3 जो डॉट दिख रहे हैं आपको इस पर क्लिक करना है, नीचे एक लाइन खुल जाएगी, आपको स्लाइड करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूट्यूब इंट्रो। इस पर क्लिक करके आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लोड हो जाएंगी। ये थोड़ा टाइम लगा सकता है क्योंकि बड़ी एप्लीकेशन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाती हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो लगा ही सकते हो। तो ये सारे आपको बने बनाए यहाँ पर मिल जाते हैं इंट्रो, इसमें से मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक इंट्रो सिलेक्ट कर लेता हूँ और जल्दी जल्दी ही आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो देखिए, हमने इंट्रो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर लिखा है ए डे इन माई लाइफ, मतलब मेरी लाइफ का एक दिन। अगर आप ब्लॉगिंग का चैनल चला रहे हो तब आपको ऐसे इंट्रो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कुछ अलग अलग हर वीडियो में नए नए इंट्रो आपको लगाने पड़ते हैं ताकि आपकी ऑडियंस जो है वो आपसे कनेक्टेड रहे, और इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अपनी ऑडियंस को अपनी वीडियोस पर इंगेज रखने के लिए। तो देखिए, यहाँ से मैंने एक इंट्रो ले लिया है और उस पर जो पीछे वीडियो लगा था वो वीडियो मैंने हटा के एक अपनी क्लिप लगा दी है जो मुझे इंट्रो में डालनी है। अब बाकी यहाँ पर लिखा है ए डे इन माई लाइफ, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं, ये कलर ग्रेडियंट सब कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इंट्रो के पीछे का मैंने वीडियो जो है वो अपनी गैलरी से सिलेक्ट कर लिया है। इंट्रो का जो कलर इफेक्ट है उसे हम यहाँ से कुछ इस तरीके से चेंज कर लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ से कलर ग्रेडियंट हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इफेक्ट लेके आ सकते हैं, फिल्टर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बताने के लिए बोला था वो ये है कि अगर आपका कोई भी चैनल है, अगर आप अपने वीडियो के लिए इंट्रो बना रहे हो तो इंट्रो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 सेकंड का ही रखो, बड़े इंट्रो मत रखो, क्योंकि ज़्यादा बड़े इंट्रो इंगेजिंग तो होते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं बोरिंग भी होते हैं। तो अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस के लिए अपने इंट्रो को 4 या 5 सेकंड तक रखो, बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। तो हमें जो इंट्रो मिलते हैं उनको हम एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी कुछ लिखा होता है हम उन फॉन्ट्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी चेंजेस हमें अपने इंट्रो में करने हैं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, फर्स्ट व्लॉग, माई सेकंड व्लॉग, या फिर अपनी लोकेशन डालना, या फिर कुछ भी टाइमिंग वगैरह, सब कुछ हम अपने अकॉर्डिंगली
सेलेक्ट कर सकते हैं, कैपेसिटी घटा सकते हैं, कलर ग्रेडियंट घटा बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता, यानी कि एडिटिंग के बारे में कुछ पता भी नहीं है और आप इंट्रो बनाना चाहते हो, तो सिर्फ आपको कैनवा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। वहाँ से कोई भी बना बनाया इंट्रो आप उठा लो, उसको थोड़ा सा अपने चैनल का नाम दे दो, उसमें थोड़ा सा एडिट करके अपने चैनल का नाम दे दो, और अपने ब्लॉग का चैनल है तो ब्लॉग के बारे में कुछ थोड़ी सी लिख दो, बाकी आप उसको सीधा सीधा डाउनलोड कर लो। कुछ भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, टोटली बने बनाए होते हैं सब कुछ। थोड़ा सा कस्टमाइजेशन तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो आना ही चाहिए, वरना आप YouTube चैनल अपना रन कैसे कर पाओगे। तो देखिए, मैंने आपको जल्दी जल्दी में यहाँ पर दो इंट्रो बना के दिखाए, एक ब्लॉगिंग चैनल के लिए और एक गेमिंग चैनल के लिए। और देखिए, मैं आपको गैलरी में भी इन्हें चला के दिखा दे रहा हूँ कि ये किस तरीके से चलेंगे। ये कितने कम समय में हमने एक शानदार इंट्रो अपना बना लिया है, और ये लग रहा है एकदम प्रोफेशनल टाइप से बना हुआ इंट्रो, जैसे कि बहुत ज़्यादा समय लगा के बनाया है। लेकिन नहीं, आप ऐसे इंट्रो 4 या 5 मिनट में बना सकते हो। चाहे आपकी किसी भी कैटेगरी का चैनल हो यूट्यूब पर, आप इजीली बना पाओगे हर तरीके का इंट्रो। देखा ना आप कितनी आसानी से 3D HD में इंट्रो बना सकते हो अपनी वीडियोस के लिए, और बहुत ही कम समय में। अगर आप इसमें समय ज्यादा लगाओगे, थोड़ा अच्छे से एडिटिंग करोगे, तो आप नेक्स्ट लेवल एकदम अच्छी चीजें बना पाओगे। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बेसिक चीजें बता दी है कि आप किस तरीके से बना सकते हो। अगर आपको इंट्रो बनाना है तो आप इस पर थोड़ा सा समय लगाइए, बहुत अच्छी तरीके से अच्छे अच्छे इंट्रो आप बना लेंगे। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगर अब तक आपने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया है, मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, आप इजीली यूट्यूब चैनल क्रिएट कर पाओगे, यूट्यूब चैनल बना पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।